गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। हमने अभी अपनी प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स थे उनमें क्या पढ़ा, आपके यूटी सेकंड में आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन किया था। कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? आपका चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर, तो उसका रिवीजन मैंने आपको करवाया था। आपको जो स्टोरी और आपके पोएम थे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया, फिर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स और आपका बुक वर्क एक्सप्लेन किया। एंड आई होप आप सब ने वापस सारी स्टोरी और पोएम दोनों को रिवाइज कर लिया होगा और बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि यही चैप्टर्स, यही दोनों चैप्टर्स आपके यूटी सेकंड में आ रहे हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। जैसे आपका चैप्टर फर्स्ट, आपका चैप्टर फर्स्ट का अब हम रिवीजन करेंगे। क्या है आपका चैप्टर फर्स्ट? होम स्वीट होम, यानी घर प्यारा घर। आपके इस पोएम में, ये एक पोएम है आपकी जिसे किसने लिखा है, कविता अय्यर नाम की राइटर ने लिखा है। किन्होंने? कविता अय्यर नाम की राइटर ने लिखा है। ओके, तो उन्होंने क्या, किसके बारे में बताया आपको इस पोएम में? घर के बारे में, कि हमारा घर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए कितना प्यारा है, इस बारे में आपको बताया है, आपके घर के बारे में। तो क्या कह रही है इस पोएम में मिस कविता अय्यर? देयर इज नो अदर प्लेस लाइक होम, द सेइंग गोज ट्रू इन इंडिया, अमेरिका और रोम। यानी ऐसी कहावत है, लोग ऐसा कहते हैं कि घर जैसा पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, पर जैसी जगह आपका घर है वैसी जगह आपको, वैसा पीस, वैसा सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी घर जैसी जगह पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और ये बातें कहाँ बोलते हैं? चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो या रोम हो, सब जगह सब लोगों का यही मानना है कि घर जैसी और कोई दूसरी जगह नहीं होती। होम इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट प्लेस वेयर वन फाइंड पीस एंड सोलेंस। यानी जो घर होता है वो इतना प्यारा, एक ऐसी प्यारी सी जगह है जहाँ पे इंसान को क्या मिलती है, पीस मिलती है, शांति मिलती है और सोलेंस यानी कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है। यानी घर एक ऐसी प्यारी सी जगह है जहाँ पे आके हमें शांति और आराम मिलता है। हाउ होम इज़ अ प्लेस वेयर वी ड्वेल, अ प्लेस इज सैक्रेड एज द टेम्पल बेल। यानी घर, होम, घर ऐसी जगह जहाँ हम रहते हैं और ये हमारे लिए इतना पावन, इतना होली है, हमारे लिए इतना पावन है, बिल्कुल जैसे मंदिर की घंटियाँ, जैसे मंदिर की घंटियाँ मंदिर में होती है। मंदिर कितना अच्छा होता है, कितना होली होता है, बिल्कुल पावन सा होता है, वैसे ही हमारे लिए क्या है, घर बहुत होली है। जस्ट एज अ बर्ड रिटर्न टू इट्स नेस्ट, वी रिटर्न होम टू गेट अ लिटिल रेस्ट। जैसे कि चिड़िया जब सुबह घर से निकलती है, पूरे दिन उड़ती है, खाना ढूंढती है, फिर वापस कहाँ जाती है, अपने नेस्ट में, वैसे ही हम हर जगह से आके कहाँ पे आते हैं, अपने घर पे आते हैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। व्हेनेवर वी रोम टू इन सर्च ऑफ एंजॉयमेंट, वी नेवर फेल बैक टू कम टू आर पेमेंट। यानी हम हर जगह जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं एंजॉय करने के लिए, ताकि हमें मज़ा आए, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, पर एंड में हम कहाँ आते हैं, हम अपने उसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अपने उसी जगह आ जाते हैं। कहाँ पे? अपने घर में, क्योंकि सारा जो सबसे ज़्यादा पीस है वो कहाँ पे है, वो घर पे ही है। सारा एंजॉयमेंट कहाँ पे है, वो घर पे है। तो हम चाहे कहीं पे भी कितना भी घूमें इन सर्च ऑफ एंजॉयमेंट, एंड में हम घर ज़रूर आते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ होम अवे फ्रॉम होम, द सेइंग गोज ट्रू इन इंडिया, अमेरिका और रोम। यानी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप अपना घर छोड़ के कहीं और पे घर जैसा पीस ढूंढ पाओ, ये पॉसिबल नहीं है। जो पीस, जो आराम जो घर में है वो बाहर आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। और ये बात चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रोम हो, हर जगह बोली जाती है। ओके, तो आपका चैप्टर फिनिश हुआ। एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं, कविता अय्यर है आपकी पोएट, वो क्या बताती हैं कि जो घर है वो बहुत ऐसी जगह है जहाँ, मतलब वैसी जगह आपको पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ आपको नहीं मिलेगी। और ये बात कहाँ, इंडिया, अमेरिका, रोम, कोई से भी कंट्री हो, सब ये बात मानते हैं कि घर जैसी जगह आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। घर बिल्कुल इतनी प्यारी जगह है जहाँ आपको शांति भी मिलती है और आराम भी मिलता है। हम घर में ही रहते हैं और वहाँ घर हमारे लिए कैसी जगह, बिल्कुल एक होली प्लेस की तरह, मतलब एक पावन पूजा के स्थल की तरह है, जहाँ पे हमें शांति मिलती है, पीस मिलती है। ठीक है, हम चाहे कहीं पर भी घूमें, कहीं पर भी जाएं एंजॉयमेंट करने के लिए, लास्ट में हम कहाँ आते हैं, अपने घर पे आते हैं। जैसे चिड़िया कहीं पे भी घूमे, कितना भी उड़े, लास्ट में वो कहाँ आ जाती है, अपने नेस्ट में। वैसे ही हम बाद में, लास्ट में कहाँ जाते हैं, अपने घर पर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और घर के अलावा आप घर कहीं नहीं पा सकते, मतलब जो सुकून, जो शांति, जो रेस्ट आपको घर पे मिलता है वो आप कहीं और आपको मिल ही नहीं सकता। और ये बात भी इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो या फिर रोम हो, हर जगह सब मानते हैं। तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया, आपकी पोएम, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी।
अब हम इसका बुकवर्क पढ़ते हैं. टिक द करेक्ट आंसर, आंसर टिक करने. द पोयम इन द कंटेक्स्ट डज नॉट कंटेन द नेम ऑफ रशिया, यानी ये जो पोयम है इसमें इंडिया का भी नेम आ रहा है, अमेरिका का भी नेम आ रहा है, रोम का भी नेम आ रहा है, पर किसका नेम नहीं आ रहा, रशिया का. किसका नहीं आ रहा, रशिया का. वन ऑफ द स्वीटेस्ट प्लेसेज ऑन द अर्थ इज होम. होम यानी अर्थ में, अर्थ की जो सबसे अच्छी जगह है उनमें से सबसे एक सबसे अच्छी जगह कौन सी है, घर. घर हम कहीं पे भी जाएं, घर जैसा हमें पीस और शांति कहीं नहीं मिलता है, इसलिए जो अर्थ पे जो सबसे स्वीटेस्ट प्लेस है वो क्या है, होम, हमारा घर. अ बर्ड रिटर्न्स टू इट्स रेस्ट टू गेट रेस्ट, यानी जो बर्ड है वो हर जगह से घूम के वापस कहाँ पे आ जाती है, अपने नेस्ट में आ जाती है, ताकि वो वहाँ पर रेस्ट कर सके, आराम कर सके. वी रोम इन सर्च ऑफ एन्जॉयमेंट, हम क्या ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूमते हैं, हम एन्जॉयमेंट, हम मज़ा मस्ती करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं. टू फाइंड अ होम अवे फ्रॉम होम इज नॉट पॉसिबल, यानी अपने घर के अलावा कहीं और वैसे ही घर जैसा माहौल पाना इज नॉट पॉसिबल, हमें नहीं मिल सकता, घर तो हमारा ही होता है बस. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट हैव बीन सेम मीनिंग एज दी फॉलोइंग, यानी मीनिंग निकालना है, ऐसा वर्ड जिनका सेम मीनिंग हो. कम्फर्ट और कंसोलेशन, कम्फर्ट को हम क्या बोलते हैं, सोलेस, तो क्या आएगा, सोलेंस. फिर आता है टू लिव, टू लिव को क्या बोलते हैं, ड्वेल. टू वॉन्डर और ट्रेवल फ्रीली, यानी इधर उधर घूमने को क्या बोलते हैं, रोम. होली यानी आध्यात्मिक, पावन, क्या होता है वो, सैकर्ड, उसको क्या बोलते हैं, सैकर्ड. एन एक्टिविटी दैट गिव्स प्लेजर, यानी कोई ऐसा काम करने से जिससे हमें मजा आए उसे क्या बोलते हैं, एन्जॉयमेंट. ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर फर्स्ट था उसका रिवीजन कंप्लीट हो गया. तो आप सभी स्टूडेंट्स वापस से घर पे इसे रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे, और जो आपका बुक वर्क है उसे लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.